कभी बीड़ों में खौफ का पर्याय तो कभी कालीन नगरी भदोही। मिर्जापुर में सांसद रही स्वर्गीय फूलन देवी का 55वां जन्म दिवस भदोही के कई स्थानों पर मनाया गया, लेकिन कभी फूलन देवी के सबसे प्रिय गांव रहे बिंद नगर बवई में जन्मदिन पर अपार भीड़ उमड़ पड़ी। समारोह के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा ने घोषणा की कि जल्द ही बिंद नगर समेत आसपास के गाँव को कीचड़ और छप्पर मुक्त बनाकर क्षेत्र को स्वच्छ और आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। इस गांव में 25 लाख रुपए की लागत से वीरांगना फूलन देवी वाचनालय का भी निर्माण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी का ये जन्मदिन विंद नगर बवई में बेहद ही खास रहा। इस दौरान विधायक विजय मिश्रा ने यहां की फूलन देवी के नाम से 25 लाख रुपए की लागत से एक वाचनालय बनाने के साथ ही विंद नगर बवई समेत आसपास के अन्य गाँवों को कीचड़ और खपरेल मुक्त बनाकर ज्ञानपुर को आदर्श विधानसभा बनाने के संकल्प को दोहराया। विधायक विजय मिश्रा ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और विकास के कार्य तेजी से हो रहा है। समारोह के पूर्व विधायक शारदा प्रसाद बिंद, हजारी प्रसाद केवट, राजित राम यादव, राकेश बिंद, सुशील बिंद ने भी इस कार्यक्रम में संबोधित किया। इस कार्यक्रम के जरिए स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। मुक्त हो जाएगा गाँव ये 60 दिन के अंदर। ये 3-4 गाँव जितने हैं बारी बारी से सभी न्याय पंचायतों में लिए जा रहे हैं और 1.5 वर्ष के अंदर पूरा हमारा विधानसभा आदर्श विधानसभा के रूप में होगा और कीचड़ मुक्त हो जाएगा। हैंडपम्प पानी पीने की सुविधा पर्याप्त है, हिसाब से ज़्यादा ही है। सड़कें भी ठीक हैं, सोलर लाइट, हैंडपम्प, बिजली, करीब करीब सारा काम विद्यालय से लेकर सब तक ठीक चल रहा है। फूलगन देवी हमारे यहाँ से सांसद रही हैं, अब दबी कुचली कमज़ोर महिला थी, कमज़ोरों की मदद करती रही हैं और जिस समय सांसद रहते उनकी हत्या कर दी गई थी। निर्विवाद और नेता के रूप में रही। अब आज चूँकि उनका जन्मदिवस 55वां जन्मदिवस था, बिना किसी कहे बिना किसी भेदभाव के रुपया 25 लाख से उनका नाम पर स्वर्गीय फूलन देवी, शहीद फूलन देवी के नाम पर वाचनालय बने। ये थी ब्यूरो न्यूज़।